नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज मैं अपने स्टाइल पे चिकन करी बनाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मैंने चिकन को क्लीन कर लिया है। उसके बाद 2 चम्मच दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑनियन का पेस्ट और स्वादानुसार नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। उसके साथ मैं और इसके लिए जो जो चीज चाहिए मैं उसको तैयार कर लूंगी। अब मैंने आलू कट कर लिया ऐसे और प्याज को चॉप कर लिया है और तेज पत्ता लिया 2 और लौंग, इलायची और दालचीनी लिया है मैंने। आलू ऑप्शनल है, आप ले सकते हो या इसको स्किप कर सकते हो। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है चिकन करी का, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप लोग चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। आप मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए दे दिया है। मेरा तेल गरम हो गया है, अब मैं डालूंगी गरम मसाला, उसके बाद 2 तेजपत्ता, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी जब तक ब्राउन ना हो जाए। इसके साथ साथ मैंने और एक फ्राई पैन में ऑयल चढ़ा के, ऑयल गरम होने के बाद मैं आलू को फ्राई करने के लिए दे दूंगी। अब मैंने फ्राई पैन चढ़ा लिया, इसमें तेल गरम हो गया, मैंने आलू डाल के अच्छी तरह से आलू को फ्राई कर लिया है। अब देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। मेरा ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए ढक के पकने के लिए दूंगी। और मैं अभी इसका ढक रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन ओपन करके उसके बाद उसके अंदर मैं फ्राई किया हुआ आलू डाल रही हूँ, क्योंकि अभी आलू डालने से ये चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और आलू बॉयल होने में भी टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं एक साथ दोनों को मिक्स करके उसके बाद फिर और थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी अच्छी तरह से। थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन ओपन कर लिया है, उसके बाद देखिए मेरा ये मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया और चिकन से ऑयल भी अलग हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डाल के और थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करूंगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। ये पानी मैंने पहले से गरम करके रखा था, क्योंकि चिकन करी में बॉयल हुआ पानी, गरम हुआ पानी डालने से इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, तो मैंने गरम पानी डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से फिर भी अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद फिर और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी और ये इसको बॉयल होने के लिए दे दूंगी। अब हो गया है मेरे चिकन करी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।